नमस्ते भारत। अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं वह भालका तीर्थ है, अर्थात प्राचीन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और एक कहावत है कि 100 बार काशी और 1 बार प्राची। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 बार काशी जाएंगे, वहाँ की यात्रा करेंगे, दर्शन करेंगे और 1 बार प्राची आएंगे तो समान पुण्य मिलता है। ऐसी क्या विशेषता है उस जगह की, तो आपको मैं बताता हूँ कि वो जो जगह है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि सोमनाथ के पास में ही एक महान तीर्थ है, वहाँ पर उन्होंने अपने देह को त्यागा था भगवान हमारे आराध्य श्री कृष्ण ने। और यहाँ पर उनका जो संपूर्ण जो क्रिया विधि है वो यहाँ पे की गई थी। साथ ही साथ युधिष्ठिर ने कौरवों का जो अन्योष्टि होती है वो वहीं पे किया था। और साथ ही साथ महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की जो अस्थियाँ थी और जो भी क्रियाकलाप था वो वहाँ पे किया गया था। तो इस प्रकार से वो जो क्षेत्र है रांची का बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं, वहाँ की यात्रा करने वाले हैं और आपके साथ उसके अनुभव शेयर करने वाले हैं। और ये जो कहावत है बहुत ही सटीक बैठती है कि 100 बार काशी और 1 बार प्राची। तो आखिर देखते हैं कि आखिर क्या विशेषता है उस स्थान की, जो स्थान को इतना महत्व दिया गया है। मैं मेहुल भारत यात्री इस साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ और आज हमारी यात्रा को 300 से अधिक दिन पूरे हो चुके हैं। 17,000 किलोमीटर की यात्रा हमने पूरी कर ली है और इसी प्रकार से 1,00,000 किलोमीटर की यात्रा हमें पूरे भारत की करनी है। तो हम और आप मिलकर पूरे भारत की यात्रा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में इसी प्रकार से। तो चलते हैं प्राची तीर्थ। तो ये कितने पवित्र स्थान है आप देख के समझ सकते हैं कि सब जगह पे पूजा अर्चना और अपने पितरों को जो देते हैं, अर्घ देते हैं, वो विधियां चालू है चारों ओर। आप देखेंगे यही क्रियाएं चालू है और अपने पूर्वजों के लिए सभी लोग अच्छी कामना लेकर आते हैं दूर दूर से। और यहाँ पे पिपड़ा है, मोक्ष पिपड़ा जो प्राची और तीर्थ उसी को प्रमुख है और एक माधव राय जी का मंदिर है। तो सबसे पहले हम अभी जा रहे हैं पिपड़ा को पानी देने के लिए। मोक्ष पिपड़ा है, कहते हैं कि पानी देने से जो हमारे जो पूर्वज है उनको सत्कर्म लगते हैं और अच्छा उनका होता है। तो ये हमारे भाई लोग हैं माना जाता है कि पानी देने से फल को बहुत ही अच्छा कर्म हमारे जो पूर्वज है उनको मिलता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के साथ में आकर इस स्थान पर, इस प्राचीन वट वृक्ष पर, पीपल के वृक्ष पर स्वयं अपने हाथों से जल चढ़ाया था। और आज हमारे सौभाग्य के हमें भी यह सौभाग्य मिला है और हम भी अपने पितरों को याद करते हुए जल चढ़ाते हैं और भगवान से ये कामना करते हैं कि जितने हमारे पूर्वज हैं उनको सुख और शांति अपने पास में, अपने धाम में देते रहना भगवान। पेड़ है, जल चढ़ाने से हमारे जो पूर्वज हैं उनको
सत्कर्म का फल मिलता है और उनके साथ ऊपर अच्छा होता है। हमारे द्वारा ये अपेक्षाएं की जाती हैं हमारे पूर्वजों द्वारा कि हम इस धरती पर कुछ ऐसा कार्य करें कि उनको उनका कार सत्कर्म ऊपर मिले। ऐसे पानी देने से जल चढ़ाने से उनको पुण्य मिलता है, जिस कारण से बहुत दूर दूर से देश के बच्चे भी उसके लिए देखते हैं, उसे लोग आते हैं और जल चढ़ाते हैं। एक बार हम वहाँ से हम जल चढ़ाएंगे और हमारे पूर्वजों को सत्कर्म के लिए पुण्य देने का प्रयास करेंगे। आपने देखा अभी हमने जो पिपड़ा है उसको हमने पानी दिया है। रांची का पिपड़ा अपने पूर्वजों का मठ है और मोक्ष पिपड़ा है जो आप पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है मोक्ष पीपल प्राची। तो ये जो पीपड़ का पेड़ है ये बहुत साल पुराना है और प्राचीन है और यहाँ पर लोग दूर दूर से आकर जल चढ़ाते हैं ताकि अपने पूर्वजों को पुण्य अर्पित कर सके। और इसका जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो जो क्षेत्र है यहाँ भक्तजनों से और जो दूर दूर से आते हैं किसी न किसी रूप से क्रियाओं में लिप्त रहते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठा अर्पित करते हैं। तो ये हमारा छोटा भाई है और ये हमको बहुत सारी जानकारी दे रहा है, यहाँ लोकल का ही है। तो आप जब भी आए तो इनसे मिले, ये बहुत हेल्पफुल है, मदद कर रहा है हमारी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा है। तो आइए चलते हैं। और इसके पहले जो महाराज जी थे उन्होंने भी बहुत हेल्प की, उस जगह के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो आगे हम माधव राय जी का मंदिर है दर्शन करने जाने वाले हैं, तो चलिए आपको हमारे साथ में दर्शन करवाते हैं। बरोबर ओहो महत्वपूर्ण स्थान है इस जगह का श्री माधव राय जी प्रभु और श्री जी का मंदिर है। पहला हमने वो किया जो मोक्ष पिपड़ा था उसको जल दिया और हमारे जो पूर्वज थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और अभी जो महत्वपूर्ण दूसरा महत्वपूर्ण भाग है वो माधव राय जी का लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो आइए हमारे साथ, हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। और यह बहुत ही पवित्र पवन और बहुत ही पवित्र स्थान है, तो यहाँ जब भी आए आप दर्शन करें और साथ ही साथ थोड़ा को जल दें और माधव राय जी के दर्शन कीजिए साथ में लक्ष्मी जी के। तो आइए दर्शन करते हैं। मंदिर आ चुके हैं, ऐसी सूचना है कि यहाँ पे आप फोटो और वीडियो नहीं निकाल सकते, तो आपको केवल यहीं पे हम दर्शन करवा सकते हैं। आप आ सकते हैं, आप मंदिर का दृश्य दिखा सकते हैं, उसके आगे हम वीडियो नहीं दिखा सकते, मनाही है। कुछ कुछ चीजें परंपराओं के अनुरूप चलना चाहिए, कुछ
कुछ कुछ निषेध होता है तो मानना चाहिए। तो आगे जाते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी बताते हैं कि किस प्रकार से हमने दर्शन कर लिए हैं प्राचीन तीर्थ के, और साथ ही साथ माधवराय जी और लक्ष्मी जी के दर्शन किए। माधवराय जी अर्थात भगवान विष्णु, और लक्ष्मी जी चूँकि उनकी अर्धांगिनी है, माता लक्ष्मी है जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं। तो इन सब जो तीर्थ होते हैं उन पर आकर एक आत्मीय शांति का एहसास होता है, एक आत्मीय संतुष्टि मिलती है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो इसको वो इंसान जो आता है वही महसूस कर सकता है, जिस समय हम अभी महसूस कर रहे हैं। बस यही है कि हम आपको बता सकते हैं कि हम एक आत्मीय शांति महसूस कर रहे हैं, एक अलग ही ऊर्जा हमें संचार हो रहा है, क्योंकि ये सब शक्ति है जो हमें आगे यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है और हमारा साथ देती है। तो इस प्रकार से आप भी देश की संस्कृति को जान सकते हैं, और प्रयास यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे धार्मिक तीर्थों को पर आए और उनका जो इतिहास है उसको जानने का प्रयास किए, केवल दर्शन किए और ये सब चीज़ें नहीं, इतिहास जाने और लोगों को भी बताए कि हमारे ये से स्थानों पर ये सब चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से हम आपको भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की विशेषताओं के बारे में बताते रहेंगे। मैं मेहुल भारत यात्री पूरे भारत की साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ, साइकिल अभी रखी हुई है क्योंकि मंदिरों में वर्जित होता है। तो अब यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम भोजन ग्रहण करेंगे एक भाई के यहाँ पर, उसके बाद फिर आगे सोमनाथ महादेव जो कि आप जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहाँ दर्शन करने। अगर ठहरने की व्यवस्था करनी है तो इस प्रकार से आपको धार्मिक आपको व्यवस्थाएं मिल जाएगी वाले हैं, और वहाँ पे भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये प्राचीन तीर्थ जो कि महत्वपूर्ण जो भाग है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।